आज मैं आपको क्वेश्चन टू जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन टू है आप देख सकते हैं सीबीएसई की ओसवाल सैंपल पेपर है मैथ्स की, ठीक है, और सॉल्व पेपर्स है 2012 से 2019 तक का जितना भी एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन उसका सोल्यूशन इस बुक में दिया हुआ मैथमेटिक्स की ये बुक है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है, क्लास नाइन्थ की मैथ्स की ओसवाल सैंपल पेपर की बुक से लिया गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ रूट टू इज इक्वल टू 1.414 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। यहाँ पर देखिए रूट 2 की वैल्यू ये दी हुई है हमें, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू मतलब कि हमें यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 सेट 36 को ये आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू क्या दी हुई है, रूट 2 इक्वल टू 1.414, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन रूट टू प्लस वन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर रूट टू की वैल्यू देखिए, यहाँ पर रूट टू की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, तो हम यहाँ पर अगर रख देंगे रूट टू की वैल्यू 1.414 प्लस वन, ठीक है, तो ये तब जैसे कि यहाँ पर आप वैल्यू अगर आप रखते हैं रूट टू की वैल्यू 1.414 क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और रूट टू की वैल्यू दी हुई है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं रूट टू की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, फिर क्या है ये प्लस वन, ठीक है। तो वन अपॉन अब ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा, उसको ऐड कर लीजिए तो 2.414 आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ये वन अपॉन 2.414 है, तो यहाँ पे डिवाइड करने पर ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, आंसर आ जाएगा लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको और ईजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो वन अपॉन रूट टू प्लस वन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये न्यूमरेटर में क्या है हमारा वन है और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है रूट 2 प्लस 1, तो इसको हम और इसको सॉल्व करके इजिली हम जो है इस पूरे की वैल्यू डायरेक्ट लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए अब ये आया है तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर हमारा है डिनोमिनेटर है रूट 2 प्लस 1 जो कि रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, आपने नाइन्थ में ही पढ़ा है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो रूट 2 प्लस 1 है जस्ट यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ पर निगेटिव साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दिया हुआ जैसे रूट 2 दिया हुआ और 1 दिया हुआ ये दोनों रहेगा, लेकिन अगर प्लस साइन है यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो प्लस की जगह यहाँ माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या नंबर बनेगा रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 माइनस 1 को हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करेंगे। ये तरीका होता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हमने रेशनलाइज करने के लिए क्या किया रूट 2 माइनस 1 को न्यूमरेटर में भी इंटू किया है डिनोमिनेटर में भी इंटू किया है। अब देखिए 1 को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा रूट 2 माइनस 1 आएगा हमारा, ठीक है। 1 को इससे इंटू करेंगे 1 को रूट 2 माइनस 1 से करेंगे तो ये आएगा अपॉन, और नीचे क्या है हमको रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 इनको एक साथ इंटू करना है। तो देखिए पहले तो आप इसको रूट 2 प्लस 1 को ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक है, और फिर ये क्या है रूट 2 माइनस 1 इसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है, ये दोनों को ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, ये जो डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है जिसका कि फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ रूट 2 माइनस 1 अपॉन और ये रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 इसमें इसके इसमें फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ कंपेयर कीजिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रूट 2 है तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है रूट 2 माइनस 1 अपॉन अब ये रूट 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 2 का होल स्क्वायर इसको रूट 2 को दो बार इंटू करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 को दो बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन और 2 में से 1 गया क्या बचा 1 बचा, तो हमारे पास क्या आया रूट 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.414 यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू रखेंगे माइनस 1, ठीक है, और जब माइनस करेंगे 1.414 में से 1 को तो क्या आएगा 0.414 ये आंसर आएगा। कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी 0.414। तो आप देख सकते हैं ये मेथड से जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तब इजिली यहाँ पर इस पूरे टर्म की वैल्यू ये आ गई है यहाँ पर। और अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू रखते हैं जैसे यहाँ पर 1.414 प्लस 1 मैंने दिखा दिया ये क्या है 1 अपॉन 2.414, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर में तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है ये जो पूरा होल टर्म जो है ना ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू रखना जो है इजिली आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।